नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अक्सर हम लोगों ने रुपहले पर्दे पर फिल्मी सितारों को क्रिकेटर बनते देखा है, क्रिकेटरों की भूमिका निभाते हुए देखा है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि एक क्रिकेटर ने अपने बचपन में एक बॉलीवुड फिल्म में एक्टिंग की थी। इतना ही नहीं, उस फिल्म में भी उन्होंने एक नन्हे क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी। जी हाँ, दिग्विजय देशमुख। नया नाम जरूर फैंस के सामने है। दिलचस्प बात यह है कि दिग्विजय देशमुख ने कभी बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म काइपोचे में काम किया था। इस फिल्म में उन्होंने अली हाशमी नाम के एक बच्चे का रोल किया था। उस फिल्म में दिग्विजय की उम्र 14 साल की थी। काइपोचे फिल्म में लीड हीरो सुशांत सिंह राजपूत ने अली को यानी दिग्विजय देशमुख को क्रिकेट खेलना सिखाया था। सुशांत सिंह राजपूत के अलावा इसमें राजकुमार राव भी थे। पिछले दिनों जब कोलकाता में आईपीएल नीलामी हुई तो दिग्विजय देशमुख को मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम में शामिल किया। मुंबई टीम हमेशा से युवा प्रतिभाओं को मौका देने के लिए जानी जाती रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के 21 वर्षीय इस तेज गेंदबाज को मुंबई टीम ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। उन्होंने इसी साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में डेब्यू किया था। 17 दिसंबर को उन्होंने अपना रणजी डेब्यू किया। पहले ही मैच में 85 रन बनाने के साथ ही उन्होंने 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भी भेजा। उन्होंने अभी तक 7 T20 मैच खेले हैं और इसमें उनके नाम 9 विकेट है। पंजाब के खिलाफ मैच में उन्होंने 34 रन देकर 3 बल्लेबाजों को आउट किया था। 17 दिसंबर को दिग्विजय ने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। पहले ही मैच में उन्होंने बल्ले से 85 रन बनाने के अलावा 6 विकेट अपने नाम किए। दिग्विजय ने अब तक 7 T20 मैच खेले हैं और इसमें उनके नाम 9 विकेट है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।